फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू अ लॉट ऑफ मज़े मज़े के ड्रेसेस। आई होप सो आप लोगों को पसंद आएंगे। सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द प्रॉम ड्रेसेस, द लॉन्ग मैक्सीज, द बॉल गाउन, एंड एज यू कैन सी दे आर वेरी एलिगेंट एंड वेरी स्टाइलिश। लाइक अगर आप इस तरह के गाउन्स पहनेंगे, ऐसे किसी वेडिंग पे भी पहनते हैं, एंड अगर प्रॉम पे पहनते हैं, या पार्टीज़ पे, या कॉलेजेस पार्टीज़ है, या कुछ भी किसी भी आप फंक्शन पे पहनते हैं, तो इट विल लुक वेरी डिलीशियस। लाइक सीरियसली, इट विल लुक वेरी कूल। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं, ये जो फ्रॉक है, ये बिल्कुल सिंपल है। क्या है इसमें? जस्ट इसके गले पे, नेक पे काम है। तो आप प्रिंटेड भी बना सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। इस पर भी ज़्यादा नहीं है, नीचे प्लेन नेट है एंड ऊपर प्रिंटेड नेट है। उसके अलावा इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है? सिर्फ इसका फॉल है, ठीक है। उसके लिए आपको नीचे लगवानी है केन केन, और केन केन से इसकी जो शो आएगी, जो इसकी नीचे फॉल आएगी, इट विल लुक वेरी कूल, और उससे आपकी ड्रेस की सारी ग्रेस आएगी। सो एज यू कैन सी, दीज आर वेरी कूल डिज़ाइंस, एंड आई होप सो आप लोगों को पसंद आएंगे। और अगर आप लोगों को ऐसे किसी फंक्शन वगैरह पे पहननी है, तो आप इसी तरह इसको बिल्कुल सिंपल प्लेन बना सकते हैं। एंड इफ़ आपको किसी वेडिंग वगैरह पे पहनना है, थोड़ा फैंसी स्टाइल बनाना है इसका, सो आप इसकी नेक पे, बाजुओं पे, नीचे घेरे पे, या पूरी फ्रॉक पे छोटी छोटी फूल वगैरह कुछ भी इस तरह के बनवा सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि इस पर प्रिंटेड नेट लगी हुई है। और मैं तो आप लोगों को प्रेफर करूँगी, अगर आप किसी वेडिंग के लिए कोई ड्रेसेस बनवा रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मेहंदी के लिए आप लहंगा बनाते हैं, बारात के लिए कैप्री शर्ट बनाते हैं, या वलीमे के लिए कैप्री शर्ट बनाते हैं, तो कम से कम एक फंक्शन के लिए आप लोग इस तरह की फ़्रॉक्स ज़रूर बनाएं। क्योंकि ये फ़्रॉक्स कभी पुरानी नहीं होती, और इनकी हमेशा से एक अलग ही इसका मतलब शो रहा है। बहुत ही खूबसूरत लगती हैं ये। आप लोग ये डिज़ाइंस देख सकते हैं, मैंने कोशिश की है, मैं हर तरह का डिज़ाइन अपनी वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊं, और मैंने इसमें वीडियो में हर तरह की जो है वो डिज़ाइन रखा है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इस वीडियो में, इस पिक्चर में, कि सिंपल इन्होंने नेक फ्री है इनकी ड्रेस, और अब ये देख सकते हैं ये सिल्क के ऊपर है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड कर देती हूँ कि अगर आप लोग सिंपल फ्रॉक बनाना चाहती हैं अपनी, लाइक फॉर एग्जांपल आप इस फ्रॉक को देख लें, सो आप इसकी 2-3 लेयर्स जो हैं वो इसी फ्रॉक की रखें, मतलब इसी कपड़े की रखें। उसके बाद अगर आप नीचे केन केन नहीं लगवाना चाहते, तो आप मत लगवाइए, ड्रेस के साथ केन केन मत लगवाएं, और इसके सेपरेट केन केन बनवाएं जो आप किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। आई प्रेफर कि आप एक केन केन बनाएं, उस पर 10-15 लेयर्स रखवाएं आप, या जितनी आप रखवाना चाहते हैं लेयर, जितनी आप उसकी वर्थ चाहते हैं, आप लोग उसकी उतनी वर्थ रख पाएँ। और उसको सेपरेटली आप किसी लहंगे के नीचे भी पहन सकते हैं, सिंपली किसी फ्रॉक के नीचे भी पहन सकते हैं, गाउन के नीचे भी, मतलब किसी भी चीज़ के नीचे आप पहन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 3-4 गाउन्स बनवाते हैं, और आप उस पर हर ड्रेस पे, क्योंकि किन किन थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, सो अगर आप हर फ्रॉक के नीचे नहीं लगवा सकते, तो आप एक बनवाएं और उसको हर फ्रॉक के नीचे पहने, हर लहंगे के साथ पहने, और इस तरह आपका डिज़ाइन भी हो जाएगा, और थोड़ा सा आपका बजट भी कंट्रोल हो जाएगा। सो इट्स अ लवली एडवाइस फॉर यू पीपल, इफ़ यू वॉन्ट टू अडॉप्ट इट, देन इट्स अप टू यू। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बहुत गलत बात है, जल्दी से मेरे चैनल